दिस इज़ द बोफोर्स। दोस्तों ये है बोफोर्स, इंडिया की सबसे ताकतवर गन, कारगिल में गेम चेंजर। इसकी वजह से हम कारगिल की लड़ाई जीते थे, नो डाउट। मतलब जीते तो लोगों की वजह से थे, उनकी ब्रेवरी की वजह से, बट जब ये गन आके लड़ाई में शामिल हुई थी तो इसने सारा गेम चेंज कर दिया था। ये जो गन है ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फायर करती है। इसका जो शेल है वो इतना डिस्ट्रक्टिव है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और सब कुछ मैकेनिक है इसमें, कोई भी आपको मैन्युअली कुछ नहीं ऑपरेट करना पड़ता है। और देखिए आप 360 फायर करती है, इसका बैरल इतना बड़ा है, और इसकी रेंज कितनी है क्या है उस सब चीज़ों के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा सर से। ये अभी इसको ऑपरेट करके दिखा रहे हैं, देखिए 360 राउंड करता है, और शायद दिस इज़ द बेस्ट बाई जो हमने कांग्रेस ने करी थी इंडिया के लिए। अभी इसी के स्कैम की बात नहीं करेंगे कि क्या इसमें घोटाले हुए क्या नहीं हुए, बट इस ये जो गन है ये दुश्मनों की फाड़ जरूर देती है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल गन विच वी हैव करेंटली। और किस तरीके से ऑपरेट होती है क्या होती है वो सारा ये करके दिखा रहे हैं। देखिए इसमें गोला लगता है, गोले को वहाँ से उठाया जाता है, ये मूवमेंट इस तरीके से ये मूव करती है। सेल्फ ऑपरेटेड इंजन के साथ आता है, इसमें आपको कुछ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये इसका मूवमेंट और वो उसका रेस, आगे पीछे दाएं बाएं 360, सब कुछ मैन्युअली कर सकते हैं आप इस गन के साथ। सिर्फ एक आदमी चाहिए आपको इसको ऑपरेट करने के लिए। टारगेट सेट करती है रेडार के साथ और पिन पॉइंट हमला करती है। बैरल आप देखिए इसका कितना तगड़ा है। आर्टलरी के अंडर में ये वर्क करती है, इंडिया में आर्टलरी रेजिमेंट्स। 360 राउंड करती है, ये जो दूसरे आदमी बैठे हैं ये करते हैं, इनका काम है फायरिंग का, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ टू ऑपरेट द व्हीकल। इधर ये इसमें आप अपना शेल को कैरी करते हैं, यहाँ पे जो बीच में आपने देखा वहाँ पे वो होती है, और इजी टू हैंडल एंड द मोस्ट डेंजरस गन विच वी हैव इन आर कंट्री करेंटली। अब इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए बात करते हैं सर से, क्या इसकी खासियत है। सारा हमने आपको मूव करके दिखा दिया किस तरीके से ऑपरेट होती है। ये इसकी खासियत है, 90 डिग्रीज अपवर्ड एंड डाउन, देखिए कितना लो, टैंक भी इतना लो करके एम नहीं कर सकता जितनी ये करती है। इट कैन 20 टू 30 डिग्री डाउन एंड अप 90 डिग्री एंड रोटेट 360 डिग्री, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल, नेम एज बोफोर्स। सिर्फ एक आदमी लगता है इसको ऑपरेट करने के लिए। 90 डिग्री स्ट्रेट, इतना मूवमेंट किसी भी गन का नहीं है इतना हाई एल्टीट्यूड तक फायर करने के लिए। इसलिए जब कारगिल में ये गन आई थी तो इसने पूरा जो कारगिल वॉर का डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया था इन द फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड तक फायर कर सकती है। इसकी रेंज कितनी है वो अभी मैं सर से पूछ के बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी रेंज का नहीं पता है, बट दिस इज़ हाउ इट व्हीकल ऑपरेट। वो देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोला इसमें लोड होता है, ये उठाएगा गोले को आगे फायर करेगा एंड इट वेंट टू बैरल, और फिर बैरल से ये फायर करेगा। वेरी इजी एंड वेरी हैंडी बट एट द सेम टाइम वेरी डिस्ट्रक्टिव। और इसको हमने 1984 में ख़रीदा था, 1986 में इसको भारतीय तोपखाने में शामिल किया गया था, 1999 के वार में इसको यूज़ किया गया था कारगिल वार में। अचीवमेंट्स इस कारगिल, हाँ कारगिल तो उस टाइम पर जो दुश्मन की टोलोलिंग वगैरह पहाड़ियाँ थी या फिर अपने टाइगर हिल्स थी वहाँ पर दुश्मन ने काफ़ी पोस्टों के ऊपर कब्जा करके रखा था, तो उसके ऊपर इसी गन के द्वारा फायर किया गया था, और इसका फायर काफ़ी इफेक्टिव था, दुश्मन की सभी पोस्ट इसने ध्वस्त की थी। कारगिल में बताते लोग कि इसी की वजह से हम कारगिल में सक्सेस हुए थे। बिल्कुल ठीक है, तो इसका टोटल रेंज है 31 किलोमीटर और इसके ऊपर 8 लोग काम करते हैं। अगर गन को फायर करना, ये गन की फायरिंग पोजीशन है, इस पोजीशन से हम 31 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं और 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है फायर करने के लिए। 8 लोगों का काम अलग अलग होता है, नंबर 1 इसका कमांडर होता है, नंबर 3 इसका लेयर है प्लस ड्राइवर होता है, नंबर 2 लोडिंग से संबंधित सारी चीज़ें देखता है, एमिनेशन की सेटिंग वगैरह लगाने के लिए वही जिम्मेदार होता है, नंबर 6, 7 एंड 8
6, 7 and 8 एमनेशन प्रिपेयर करते, 4 and 5 चार्ज बैक प्रिपेयर करते एक्सप्लोजिव, जो एक राउंड को टारगेट तक पहुंचाने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये उस टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, अभी हमने इसका लेटेस्ट वर्जन बनाया है, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर के द्वारा बनाया गया है धनुष गन। वो इंडियन आर्मी में अभी अपॉइंट हो गई है या होनी है? वो गन होनी है। एक मिनट में कितना फायर करता है? 14 सेकंड में हम 3 राउंड फायर कर सकते हैं इसकी ब्रस्ट कैपेबिलिटी। एंड शेल इसका पीछे गिरता है ना? शेल नहीं, वो जो चार्ज बैग होता है वो हाँ। मेटल कार्ट्रिज केस होती है, वो जो मैनुअल गन्स वगैरह है उसमें मेटल कार्ट्रिज केस होता है, वो पीछे की तरफ आ जाता है, राउंड आगे चला जाता है। हाँ। इसमें चार्ज बैग होता है, जो क्लॉथ बैग होता है ना उसमें होता है एक्सप्लोजिव, पूरा जल के खाक हो जाता है और आगे की तरफ ये हो जाता है उसका, पूरा फायर हो जाता है। फायर हो जाता है, फायर करने के लिए सिर्फ एक वो जो वहाँ पे बैठे हुए वो चाहिए ना? बिल्कुल, बाकी लोडर्स और वो चाहिए। ये जो है ये मशीन ऑपरेटर है चलाने, आगे पीछे दाएं बाएं टारगेट सेट करने के लिए। सॉरी, 4 करोड़ रुपए एक गन की कॉस्ट, 4 करोड़ रुपए। हाँ, 400 गन हमने खरीदी थी राजीव गांधी साहब के जमाने में, ठीक है। जो स्कैम हो गया था, बहुत बड़ा घोटाला। नहीं स्कैम था, नहीं हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। उसके बाद 1986 में इसको इंडियन आर्टिलरी को दिया गया, मतलब सौंपा गया, उस टाइम पे शामिल किया गया इंडियन आर्टिलरी में। और जो 1999 का वार हुआ था उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, कारगिल में। हाँ, कारगिल वार में। और SP लिखा है, मैक्सिमम स्पीड SP, सेल्फ प्रोपेल्ड गन के जो दोनों मेन गन दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके बीच में इंजन दिया गया है, उस इंजन में हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है। तो उस हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से हम अगर गन को चलाते हैं, आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं या पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं या फिर लेफ्ट या राइट करते हैं, तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम उसको चला सकते हैं। गन जैसे टाइगर हिल से टोलोरिंगी पहाड़िया है, उसके बाद में 5056 पोस्ट है, 5052 पोस्ट है, इन सारी पोस्टों के ऊपर जो दुश्मन ने कब्जा करके रखा था उसके ऊपर इसी के द्वारा फायर किया गया था। उस टाइम पर ये मोस्ट सक्सेसफुल हुई थी कारगिल वार में, ठीक है। जो हम राउंड फायर कर देते हैं उसके बाद में बैरल के ऊपर इफेक्ट होता है उसका, तो कितने राउंड फायर करने के बाद इसकी बैरल को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो EFC का मतलब है इक्विवेलेंट फुल चार्ज, ठीक है। तो अप्रॉक्स मान लो फिर भी 3000 राउंड फायर करने के बाद हम बैरल को चेंज कर लेते हैं। बैरल हमें अभी भी बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है या अपन? हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बैरल को, जो 155 mm की बैरल है बोफोर्स की, वो बोफोर्स कंपनी अभी हमारे से एक्सपोर्ट कर रही है, जो हमने wonderful. इंडिया में अपनी खुद की बनाई है, अभी जो धनुष में लगाई है। धनुष में लगाए। ओके, थैंक यू सर।